हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुरेश अग्रवाल्स रीजनिंग मंत्रा, आपका अपना चैनल जहां पर आपके सभी रीजनिंग रिलेटेड नीड्स को हम ध्यान में रखते हुए वीडियोस लेकर आते रहते हैं रेगुलर इंटरवल्स के बाद। और आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वेन डायग्राम्स जो कि पिछले सालों में SSC एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप भी SSC एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू, नॉट ओनली फॉर SSC एग्जाम्स, बाकी किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें कि वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग पार्ट है सिलेबस का, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। इसके अलावा हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले स्टोर से लर्निंग लूप के नाम से हमारी ऐप है। और ये जो ऐप है इस पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ वीडियो कोर्सेज एंड PDFs जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। इतना ही नहीं, हमारी वेबसाइट है suresh agarwal.in जहाँ पर अगेन आपके लिए बहुत सारा कंटेंट है जो आपकी वेट कर रहा है, काफ़ी सारा कंटेंट है जो फ्री है, बहुत सारा कंटेंट है जो आप अपने चॉइस के हिसाब से हमसे परचेज कर सकते हैं एट अ वेरी वेरी नॉमिनल कॉस्ट। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का क्या है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग वेन डायग्राम शोज द नंबर ऑफ फैमिलीज हु हैव विजिटेड 3 डिफरेंट प्लेसेस, श्रीनगर, शिमला एंड गैंगटॉक। तो यहाँ पर एक वेन डायग्राम गिवन है जिसमें तीन सिटीज हैं, तीन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, श्रीनगर, शिमला एंड गैंगटॉक। और बताया गया है नंबर्स के द्वारा कि कितनी फैमिलीज ने इन स्टेशंस को विजिट किया है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ फैमिलीज हु हैव विजिटेड एट लीस्ट 2 ऑफ द प्लेसेस आउट ऑफ श्रीनगर, शिमला एंड गैंगटॉक। तो यहाँ पर रीजनिंग के साथ साथ इंग्लिश भी बहुत स्ट्रांग होनी जरूरी है क्योंकि व्हाट इज मेंट बाय एटलीस्ट 2, मतलब कम से कम 2 जगह गए हैं, थर्ड प्लेस कैन बी देयर क्योंकि मिनिमम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम का कोई क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो अगर हम इस फिगर को देखते हैं तो 22 पीपल आर देयर हु हैव विजिटेड श्रीनगर एंड शिमला, 5 लोग हैं जिन्होंने शिमला और गैंगटॉक विजिट किया है, 7 लोग ऐसे हैं या 7 फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने श्रीनगर और गैंगटॉक को विजिट किया है, एंड 15 फैमिलीज आर देयर हु हैव विजिटेड ऑल द 3 प्लेसेस, जो तीनों जगहों पर गए हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, 22 + 7 + 15 + 5। तो यू जस्ट हैव टू ऐड दीज 5 नंबर्स, ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 34। ऐसा ही एक और क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वंस अगेन फॉर यू। इन द फॉलोइंग डायग्राम द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स हिंदी अनाउंसर्स। तो यहां पर जो रेक्टेंगल है ये हमारे हिंदी के अनाउंसर्स हैं, सर्कल रिप्रेजेंट्स द इंग्लिश अनाउंसर्स, जो सर्कल है हमारा ये हमारे इंग्लिश के अनाउंसर्स हैं, स्क्वायर इज द फ्रेंच अनाउंसर्स, तो जो स्क्वायर है ये फ्रेंच के अनाउंसर्स हैं, एंड द ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स जर्मन अनाउंसर्स। तो जो ट्राइंगल है ये कौन है, ये वो हैं जो जर्मन में अनाउंसमेंट्स करते हैं। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू हियर। स्टडी द डायग्राम विच एरिया रिप्रेजेंट्स दोज अनाउंसर्स हु कैन प्रेजेंट प्रोग्राम्स इन हिंदी, फ्रेंच एंड जर्मन ओनली। तो हमने हिंदी, फ्रेंच और जर्मन, इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए पिक करना है अपना एरिया। तो रेक्टेंगल, ट्रायंगल और स्क्वायर, जहां पर तीनों का ओवरलैप हो रहा है वो है हमारा नंबर 4। देखिए ध्यान से, क्योंकि रेक्टेंगल ये है हमारा, सर्कल हमारा ये वाला पार्ट है और ट्रायंगल के बीच में ये पार्ट लाई कर रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर इज 4 ओवर हियर। ऐसा ही एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन द गिवन फिगर हाउ मेनी पीपल लाइक क्रिकेट एंड टेनिस बोथ। तो क्रिकेट हमारा ट्रायंगल है और जो टेनिस है वो है हमारा सर्कल। तो ट्रायंगल और सर्कल के बीच में जो ओवरलैपिंग पार्ट है वो क्या है, इट इज दिस, ये वाला जो पार्ट है ये ओवरलैप हो रहा है ट्रायंगल और सर्कल के बीच में। तो 17 + 15 कितना होता है, 17 + 15 होता है 32। तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। इन द गिवन वेन डायग्राम द ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स स्टूडेंट्स प्लेइंग टेबल टेनिस। तो जो ट्रायंगल है ये वो स्टूडेंट्स हैं जो खेल रहे हैं टेबल टेनिस, द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स स्टूडेंट्स प्लेइंग बैडमिंटन, रेक्टेंगल वो स्टूडेंट्स हैं जो बैडमिंटन खेल रहे हैं,
सर्कल रिप्रेजेंट्स द फीमेल स्टूडेंट्स, तो जो सर्कल है ये सभी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, एंड द पेंटेगन रिप्रेजेंट्स स्टूडेंट्स प्लेइंग फुटबॉल, तो ये फुटबॉल खेल रहे हैं स्टूडेंट्स जो पेंटेगन में है. नाउ नंबर्स हैव बीन गिवन इन डिफरेंट कैटेगरीज, और इन नंबर्स के बेसिस पे हमने ये बताना है हाउ मेनी फीमेल स्टूडेंट्स प्ले बोथ टेबल टेनिस एंड बैडमिंटन. तो वो फीमेल स्टूडेंट्स जो दोनों चीजें खेल रहे हैं, टेबल टेनिस भी और बैडमिंटन भी, वो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है. तो देखिए, सर्कल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल का ये वाला पार्ट है जो ओवरलैप कर रहा है, जिसमें लिखा है नंबर 7. सो द करेक्ट आंसर इज नंबर 7. ऐसे ही हमारा आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5. हाउ मेनी रेड कार्स आर देयर, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रेड कार्स कितनी है. तो देखिए, सर्कल जो है वो ब्लैक कार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल इज रिप्रेजेंटिंग द ब्लू कार्स, एंड दिस स्क्वायर इज रिप्रेजेंटिंग द रेड कार्स. तो स्क्वायर में कितने नंबर हैं, 5, 6, 8 एंड 14. कीजिए इन सभी को ऐड, और ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा दैट वुड बी ऑप्शन डी, दैट इज 33. तो इस तरह की जो वीडियोस हैं, अगर आप और देखना चाहते तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को हिट करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन आएंगी जब भी हम अगली वीडियो को अपलोड करेंगे. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी.